छात्र जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। माता पिता और शिक्षकों द्वारा जो टोका टाकी बच्चों के लिए होती है वह बच्चों को सुरक्षित भविष्य तथा अनुशासित जीवन प्रदान करती है। उक्त विचार माननीय न्यायाधीश विवेक जैन ने महर्षि वेद व्यास पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित बाल मेले एवं विधिक साक्षरता शिविर में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। माननीय न्यायाधीश राकेश भेड़े, नव निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष विमल राजेंद्र सिंह यादव तथा पार्षद शिरीष जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आरंभ किया। इस अवसर पर संस्था के संचालक राजेश कुमार व्यास, ब्रजेश कुमार व्यास, नीलेश व्यास, आशीष अर्झरे, अधिवक्ता नवीन जोशी, अश्विन जोशी, सचिन बाथम, पैरालीगल वॉलेंटियर देवदत्त एक्कल, पार्षद प्रतिनिधि शुभम कुशवाहा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आरंभ में संस्था के संचालक गणों, शिक्षकों व बच्चों ने अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर व पुष्पहार से किया। संचालक और अधिवक्ता ब्रजेश कुमार व्यास ने अपने स्वागत भाषण में अतिथियों का स्वागत करते हुए परिचय कराया। महर्षि वेद व्यास स्कूल की शैक्षणिक उपलब्धियों तथा बाल मेले के आयोजन पर संचालक राजेश व्यास ने प्रकाश डाला। नगर पंचायत अध्यक्ष विमल राजेंद्र यादव ने अपने स्वागत के प्रत्युत्तर में बाल मेले के आयोजन की प्रशंसा की तथा संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की। कसरावत शहर की प्रथम नागरिक अध्यक्ष महोदया श्रीमती विमल यादव जी, पूर्व अध्यक्ष श्री राजेंद्र यादव जी, जायसवाल सर, राठौर सर, यहाँ उपस्थित सभी अभिभाषकगण, अध्यापकगण, अभिभावकगण और प्यारे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सबको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा पूर्व में ही काफ़ी कुछ बोला जा चुका है। राठौर सर ने आपको महान विभूतियों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए कि हमको अपने जीवन में ये उद्देश्य लेकर के चलना है कि हमको भी डॉक्टर राधाकृष्णन, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, अब्दुल कलाम आजाद जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके जैसा बनना है। अध्यक्ष महोदया ने अपनी भावना व्यक्त की कि वो 5 सालों में ऐसा कार्य करना चाहती हैं कि 5 सालों के बाद भी नगर उनको याद रखे कि महिला अध्यक्ष हुई थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे कार्य कराए थे। उनकी ऐसी सोच निश्चित ही सराहनीय है। मेरे साथी न्यायाधीश भिड़े जी ने आज बाल दिवस के अवसर पर बाल श्रम जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, तो निश्चित ही हम सबको इस विषय में सोचने और इस कुरीति को दूर करने की आवश्यकता है। आज बाल दिवस के अवसर पर कहना चाहूंगा कि जैसे राठौर सर ने बताया कि हमको डॉक्टर कलाम जैसा, डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा बनना है कि उनके जाने के बाद भी उनका नाम इस दुनिया में अमर रहे और उनके पद चिन्हों पर सभी लोग चलने का प्रयास करें, तो इसके लिए पढ़ाई की क्या उपयोगिता है ये राठौर सर ने आपको बताया, उसके बारे में अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहेगा निश्चित ही अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी गाड़ी कहीं पर रुके, लेकिन यदि उस ड्राइवर से पूछा जाए कि क्या रेड लाइट पर गाड़ी रोकना आवश्यक है, तो सभी कहेंगे हाँ रोकना तो आवश्यक है। अगर रेड लाइट पर गाड़ी नहीं रोकी, चारों दिशाओं से अगर गाड़ियां आ गई, तो एक्सीडेंट होना। कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।